हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन आहूजा और आज मैं बात करूंगा बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल के ऊपर। वो लोग जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग लाइन में हैं, फिजिक एथलीट बनना चाहते हैं या बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में ये वीडियो है। आप लोगों में से या मेरे में से जो भी कोई इस लाइन में उतरा था, उसने उसकी शुरुआत जो है वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके की रही होगी। सब ने कहीं ना कहीं कोई वीडियो या कोई पिक्चर कुछ ऐसा कुछ देखा होगा जिसकी वजह से वो इंस्पायर हुए एक बॉडी बिल्डिंग लाइफ स्टाइल जीने के लिए, कि उसको देख के उनको इंस्पिरेशन मिली कि मेरे को भी एक बॉडी बिल्डर बनना है, मेरे को भी कल को बड़े बड़े टाइटल्स जीतने हैं और मेरे को भी एक विनर की तरह रहना है और अपनी बॉडी बिल्डिंग वाली फिजिक चाहिए मेरे को। तो इस तरीके से आप में से हर किसी की शुरुआत हुई होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये होता है कि यही ड्रीम लेके हर बंदा जिम में जाता है, ये सोच के कि मेरे को भी अपनी फिजिक डेवलप करनी है, और वो जिम में जाके वर्कआउट करना स्टार्ट करता है। जिम में जाता है, वर्कआउट करता है, वहाँ जो भी उसको ट्रेनर मिलता है वो ट्रेनर या जो भी उसको लगता है कि जो उसको हेल्प कर सकता है उससे वो हेल्प लेना शुरू करता है, या ट्रेनर ये कह लीजिए कि ट्रेनर की बात सुनने लगता है या उसको समझने लगता है। यही सब कुछ रहता है शुरुआत में हर बंदे के साथ, क्योंकि उसको खुद से नॉलेज होती नहीं है, तो इसलिए वो दूसरों के पास जाता है, दूसरों से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से बॉडी की डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से उनको अपनी बॉडी का साइज़ बढ़ाना है, मसल अप करना है, उसकी क्लैरिटी बढ़ानी है, तो ये सब के लिए वो ट्रेनर जैसा उसको बोलते हैं वो वैसा करना शुरू कर देता है। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो ये होता है कि धीरे धीरे जैसे उसको ट्रेनर बताता है कि उसको डाइट में या बाकी चीज़ों में, खाने पीने में उसको कैसे चेंजेस करने हैं, वो वैसे चेंजेस करना शुरू कर देता है। तो ये काम आसान नहीं होता, यहाँ आके सारी पिक्चर बदल जाती है। फिर ये एक 24 आवर गेम बन जाता है, और इससे ज़्यादा डिसिप्लिन मेरे हिसाब से किसी और गेम में नहीं चाहिए। जितना हार्ड गेम बॉडी बिल्डिंग है, उतना हार्ड गेम मेरे हिसाब से कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 24 आवर डेडिकेटेड रहना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो यहीं से जर्नी शुरू होती है एक बॉडी बिल्डर की, जब उसको अपनी डाइट में स्ट्रिक्ट चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको वर्कआउट करना होता है रोज, और इन सब के दौरान एक जो सीरियस बॉडी बिल्डर होता है या बनना चाहता है वो बंदा बहुत सारी चीज़ों का त्याग करता है, जैसे कि बाहर आना जाना अगर अननेसेसरी है, या बाहर का खाना पीना उसको अवॉइड करता है या बंद कर देता है, ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, अपने परिवार से कट जाता है, क्योंकि परिवार में बाकी लोग वैसा लाइफस्टाइल या वैसा डाइट नहीं रखते, उसको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक होता है कि कुछ भी करके बस उसको विनर बनना है, उसको जीतना है। ये जज्बा जब तक नहीं आता तब तक बॉडी बिल्डर नहीं होता। और कुछ भी रिक्वायर्ड हो, एनीथिंग, तो जब तक वो पा नहीं लेता तब तक वो रुकता नहीं है। बॉडी बिल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बंदे के लिए है, ये हल्के माइंडसेट या छोटे माइंडसेट वाले लोगों के लिए नहीं है। तो ये चीज़ से सब एग्री करेंगे जो भी बॉडी बिल्डिंग लाइन में है कि ये कोई एक आसान खेल नहीं है। दूसरी चीज़, उसके बाद वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से उसको बचना पड़ता है, अल्कोहल या अपने शौक मारने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, छोटी बड़ी, अपनी फैमिली से दूर हो जाता है। लोग समझने लगते हैं कि इसको सबसे ज़्यादा प्यार खुद से ही है, इसको किसी दूसरे से प्यार नहीं है। एक ऐसा सिनेरियो हो जाता है बंदे के लिए जहाँ कई लोग उसको बेवकूफ़ समझने लगते हैं या ये समझने लगते हैं कि इसका दिमाग चल गया है, बट फिर भी हम बॉडी बिल्डर्स लोग लगे रहते हैं। सिर्फ दिल में एक ड्रीम होता है कि एक दिन मैंने भी विनर बनना है,
उसके लिए कुछ भी रिक्वायर्ड हो वो मेरे को करना ही करना है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे रोज़ के रोज़ किस्से होते होंगे हम लोगों के साथ में, जो भी लोग इस फील्ड में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आपका मनोबल तोड़ते हैं। रोज़ कुछ आपको ऐसे लोग मिलते होंगे या लोग ऐसे कमेंट मिलते होंगे जो हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट हम लोग रुकते नहीं हैं। आगे बढ़ने की ललक रोज़ हमारे अंदर बढ़ती ही जाती है। बल्कि ये कह लीजिए कि ऐसा होता है कि जितना हमें टोका जाता है, जितना हमें रोका जाता है, हम लोग उतने और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। हम लोगों की इच्छा शक्ति और स्ट्रांग हो जाती है। तो ये तो हुई बात कि एक बॉडी बिल्डर बनता कैसे, उसकी शुरुआत कैसे होती है। फिर जब लोग देखने लगते हैं कि हाँ भाई वाकई ही इसने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आया है, बॉडी बिल्डर दिखता है कि वो एक बॉडी बिल्डर बन गया है, उसके बाद क्या होता है, फिर जब बारी आती है कंपटीशंस की। गाइस, मैं यहाँ बात करूँगा कुछ सीरियस मुद्दे पर कि एक्चुअली में होता क्या है। एक बंदा जिसने अपने लाइफ का पूरा सीन चेंज कर दिया, पूरी तरीके से अपनी लाइफ को बदल दिया, हर चीज़ से खुद को दूर कर लिया, लोगों की नज़र में खुद को पूरी तरीके से बदल दिया, उसके बावजूद भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती सोसाइटी में जो एक बॉडी बिल्डर को मिलनी चाहिए। जब बात आती है पैसे खर्च के ऊपर, तो बॉडी बिल्डिंग कोई सस्ता गेम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में बहुत खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आप जितना चाहें, जितना पानी की तरह पैसे को बहा सकते हैं, क्योंकि बस एक ही चीज़ होती है दिमाग में कि मुझे अपने शरीर को पहले से अच्छा करना है और हर दूसरे खिलाड़ी से बेहतर करना है, जीतना है। तो उस दौरान जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ नीडफुल है, वो मेरे को करना ही करना है। वट एवर इज़ नीडफुल आई विल डू दैट। तो ये एक माइंडसेट होता है एक बॉडी बिल्डर का, और उसके साथ ही वो आगे बढ़ता है, इतने खर्चे करता है। कई बार ऐसा होता है कि जितनी वो कमाई करता है, ऑलमोस्ट सारी कमाई अपनी शरीर पे लगा देता है। घर वाले भी इस चीज़ को रोकते हैं, टोकते हैं, और कई बार इन सब बातों को लेकर हम लोगों के घरों में फसाद हो जाता है, कुछ झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना अर्न करते हैं खुद पे लगा देते हैं। तो बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती है। और उसके बाद ना तो इंडिया में हमें स्पॉन्सर्स मिलते हैं, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है। यहाँ तक कि जो एसोसिएशंस जिनके अंडर में बॉडी बिल्डर्स अपना कंपटीशन खेलते हैं, वो एसोसिएशंस भी किसी तरीके की कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करती। भले आप स्टेट चैम्पियन बन जाइए, भले आप नेशनल चैम्पियन बन जाइए, कुछ भी वो कर लीजिए, भले आप इंटरनेशनल लेवल के स्टेज पे जाके कोई अच्छा मेडल ले आइए, बट मैंने नहीं देखा कि किसी एसोसिएशन ने आज तक किसी भी लड़के को किसी तरीके की हेल्प की है। तो गाइस, मॉनेटरी रिटर्न्स के मामले में ये गेम बहुत पीछे है। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब इंडिया के 12th मैन, 13th मैन जो भी होते हैं क्रिकेट टीम में, उनको भी एक रिकॉग्निशन होता है, उनको भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बट जो मिस्टर इंडिया या और इंटरनेशनल स्टेज पर मेडल लेके आया हुआ बॉडी बिल्डर, उसको भी लोग नाम से नहीं जानते, उसको भी नहीं पहचानते। उसको अपने मुंह से बताना पड़ता है कि मैं ऐसे हूँ। मुझे कभी कभी अपने शहर में मेरे को बताना पड़ता है कि मैं 3 बार स्टेट चैम्पियन रह चुका हूँ। तो बड़े दुख की बात लगती है कि कोई रिकॉग्निशन तक नहीं है। पैसा तो दूर की बात है, एक खिलाड़ी के लिए इससे ज़्यादा और दुख वाली बात क्या हो सकती है। गाइस, इतना हम सब कुछ करते हैं, अपना तन मन धन इस पे ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, उसके बाद बदले में मिलता क्या है। जब कंपटीशंस होते हैं उस टाइम एसोसिएशन के अधिकारी या
ऑफिसर्स इस तरीके से कई बार ट्रीटमेंट करते हैं बॉडी बिल्डर्स के साथ, जो वाकई शर्मनाक होता है, बहुत बुरा लगता है कि किस तरीके से वो एक बॉडी बिल्डर के साथ बिहेव कर रहे हैं, जिसने कि पानी तक नहीं पिया हुआ, खाना भी नहीं खाया हुआ ढंग से, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो उस टाइम खाना या पानी वगैरह से दूर रहते हैं बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि उस टाइम उनको अपनी मसल्स की पीक दिखानी होती है, तो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, और ऐसे में उनको इस तरीके का जो बिहेवियर मिलता है, जो और कई जगह तो मैंने यहाँ तक देखा कि उनके रुकने खाने पीने तक का ढंग से अरेंजमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें एसोसिएशन एक फीस रखते हैं बॉडी बिल्डर्स को, अपने ऊपर इतना खर्चा करने के बाद वो फीस पे करनी पड़ती है उस कंपटीशन को खेलने के लिए। तो इतना कुछ आप करते हैं, हम करते हैं, और बदले में हमें मिलता क्या है? गाइस, इन सब चीज़ों से कई बार बहुत दिल टूट जाता है, बट क्योंकि बॉडी बिल्डर एक स्ट्रांग माइंडसेट का इंसान होता है, तो वो इन सब चीज़ों से टूटता नहीं है। जो दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है वो होती है टाइटल, कि टाइटल जीतता है, और इसीलिए ये बॉडी बिल्डिंग अभी तक इंडिया में ज़िंदा है। और मैं देखता हूँ कि हर साल ख़त्म होने की बजाय बढ़ रही है। तो गैज, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और इस गेम को प्रमोट कर सकते हैं, इस गेम को प्रमोट करिए, बहुत खूबसूरत गेम है और ग्लैमर से भरा हुआ गेम है। कई गेम्स में आईपीएल या बैडमिंटन लीग या कबड्डी लीग इस टाइप के मैं देख रहा हूँ, गेम्स इस तरीके से शुरू हो गए इंडिया में, उनको प्रमोटर्स मिल रहे हैं, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, बट बॉडी बिल्डिंग को कोई पूछ तक नहीं रहा। तो गाइस, मुझे किसी दूसरे गेम से कोई उसकी चिढ़ नहीं है, कोई किसी गेम से कोई उसकी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, हर गेम अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रखता है। बस मेरा जो मुद्दा था वो ये है कि बॉडी बिल्डिंग को भी सम्मान मिलना चाहिए, बॉडी बिल्डर्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और जो लोग ये सब करने में सक्षम हैं वो प्लीज़ आगे आए और बॉडी बिल्डर्स को वो सीन दें जो जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। हम जगह जगह रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को, अपने स्टेट को, तो हम लोग भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को भी रिकॉग्निशन मिले, एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और अपने देश का, अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकें। सो गाइस, मैं ये चाहूँगा कि एसोसिएशंस के साथ मिलकर जो लोग इस सब चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं वो जो फीस है बॉडी बिल्डर्स की उसको ख़त्म करवाएं, और प्रोग्राम्स में बॉडी बिल्डर्स जो विनर्स होते हैं उनको अच्छी फंडिंग करें। स्पॉन्सर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको स्पॉन्सरशिप दें और इस गेम को किसी भी तरीके से प्रमोट करें, क्योंकि ये गेम बॉडी बिल्डिंग या हमारा जो फिजिक वाला गेम है वो इसकी इंडिया में कहीं ना कहीं से भी आप ये देखेंगे कि उसमें कोई पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, आगे की तरफ ही बढ़ रहा है। तो प्लीज़, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस गेम को सपोर्ट करें और इस गेम का एक ब्राइट फ्यूचर दें। तो आप लोगों से बस मेरी यही विनती है आज के लिए, और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और एक अच्छा टॉपिक कवर करेंगे दोबारा से। तब तक के लिए गुड बाय।